हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ खुशी कुमावत एंड टुडे वी आर मेकिंग अ प्रोग्राम ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोग्राम। सो व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर? बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू डिटरमाइन द लॉजिक बिटवीन द वेरिएबल्स और द वैल्यूज। वी कैन यूज लॉजिकल ऑपरेटर टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। सो वी विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू द प्रोग्राम। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोग्राम। तो देखो मैंने यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन क्रिएट कर ली है। क्लास का नेम मैंने मेन लिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद में मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्रिएट किया है, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास कराया है। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्रिएट कर सकें मेन मेथड जावा एप्लीकेशन के अंदर। तो ये क्या होता है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है। अब सबसे पहले मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाऊँगी। इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 ले लेती हूँ एंड b इज इक्वल्स टू क्या ले लेती हूँ 20, c इज इक्वल्स टू ले लेती हूँ मैं 20 ले लेती हूँ, d इज इक्वल्स टू मैं 0 ले लूँगी। अब इसके बाद में मैं इफ कंडीशन लगाऊंगी, इफ a लेस देन b एंड b इक्वल टू c। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई है, अगर a छोटा है b से तो a क्या था 10 है और b 20 है। तो यहाँ पे क्या है, a है ना छोटा है b से, तो कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। चलो एक कंडीशन ट्रू हो रही है, दूसरी कंडीशन देखते हैं b इक्वल टू c। तो दूसरी कंडीशन भी ट्रू है क्योंकि b और c एक दूसरे के इक्वल है। तो एंड ऑपरेटर में ये देखना होता है कि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना जरूरी है। तो अपने यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी d इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। मैं तीनों का सम करा लूंगी। मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले मैंने इफ कंडीशन लगाई, अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर जो ये स्टेटमेंट लिखी है ये प्रिंट हो जाएगी। अब प्रिंट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द सम इज। तो जो भी इसका सम होगा वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स का जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो एल्स के अंदर मैं क्या लिख दूंगी, फॉल्स कंडीशन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन तो मैं ये फॉल्स कंडीशन लिख दूंगी। अब एक बार मैं वापस आप लोगों को ये प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था यहाँ पे, इंट a इज इक्वल्स टू 10 लिया था, b इज इक्वल्स टू 20 लिया था और c इज इक्वल्स टू 20 लिया था, d इज इक्वल्स टू 0 लिया था। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ कंडीशन लगाई थी, सो इफ a लेस देन b एंड ऑपरेटर b इक्वल टू c। तो a क्या था 10 था, 10 लेस देन 20 यस। एंड ऑपरेटर के बाद में क्या दे रखा है, b इक्वल टू c। तो b 20 था, 20 इक्वल टू क्या है c है। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है। तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, इसके अंदर के जो भी स्टेटमेंट अपन ने लिख रखी है अपन उसको प्रिंट कर देंगे। d इक्वल टू a प्लस b प्लस c लिखा था मैंने, तो a के तरह 10, b 20 और c 20, तो तीनों का एडिशन प्रिंट हो जाएगा। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर रही हूँ मैं, द सम इज, जो इनका सम आएगा उसको मैं क्या कर दूंगी, प्रिंट कर दूंगी। अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होती तो क्या होता है, ये वाली कंडीशन प्रिंट हो जाती है एल्स वाली। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो रन करने पे 50 आ रहा है। तो ये एंड ऑपरेटर का था, अब और ऑपरेटर का देखते हैं। इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 लिया है, b इज इक्वल्स टू 15 लिया है, c इज इक्वल्स टू 20 एंड d इज इक्वल्स टू 20 लिया है। मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई, a ग्रेटर देन b और ऑपरेटर c इक्वल्स टू d। ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके अंदर मैं क्या प्रिंट कराऊंगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वन और बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं इस कंडीशन को कि हमने क्या कंडीशन लगाई है। इफ a ग्रेटर देन b, a की वैल्यू क्या है 10 एंड b की वैल्यू क्या है 15, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो जाएगी। और दे रखा है c इक्वल्स टू d, c क्या है 20 है और d क्या है 20 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो इफ कंडीशन के अंदर हमने लिखा है वन और बोथ कंडीशंस आर ट्रू, तो ये प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि और के अंदर देखना होता है हमें, या तो हमने यहाँ पे पहले ये जो लिखा है ये ट्रू होना चाहिए या फिर ये ट्रू होना चाहिए, मतलब दो में से कोई सा भी एक ट्रू होना चाहिए। अगर कोई सा भी एक ट्रू होता है तो इफ कंडीशन प्रिंट हो जाती है, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स कंडीशन का पार्ट प्रिंट हो जाता है। अब हम एल्स के अंदर वैल्यू लिखेंगे, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अब इसके अंदर मैं क्या प्रिंट कराऊंगी, बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स को मैं प्रिंट कराऊंगी। मैं लिखती हूँ बोथ द कंडीशंस आर फॉल्स। तो अब हमने दोनों कंडीशंस लिख ली है और अब हम इसको रन करके देखते हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, वन और बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, क्योंकि दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। इफ वाली कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रू हो रही है क्योंकि सी इक्वल इक्वल्स टू है डी का। तो ये और ऑपरेटर का प्रोग्राम था। अब हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का प्रोग्राम बनाएंगे। तो इंटीजर के अंदर मैंने ले लिया है ए इज इक्वल्स टू 10 एंड बी इज इक्वल्स टू 20। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएल लगा के। मैं यहाँ पे ये कंडीशन क्या लगाई है, ए की वैल्यू क्या है 10, 10 क्या छोटा है बी से, यस 10 क्या है छोटा है बी से, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पे नॉट लगा रखा है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद में मैं लगा के देखती हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। मैंने एक बार तो लेस देन का लगाया था, अब मैं क्या करूँगी ग्रेटर देन का लगा दूंगी, ए ग्रेटर देन बी। दूसरा कि ए बड़ा है क्या बी से, अगर ए बड़ा होगा बी से तो नॉट के अंदर जाके फॉल्स कंडीशन प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए ए क्या था 10 था, 10 क्या है छोटा है 20 से, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए रन करने पे आ रहा है जो हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी थी ए लेस देन बी, मतलब 10 लेस देन 20, 10 क्या है छोटा है 20 से, तो ये कंडीशन क्या है ट्रू है। लेकिन नॉट ऑपरेटर की वजह से कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। और सेकेंड हमने लिखा था ए ग्रेटर देन बी, ए क्या था 10 था और बी 20 था, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो नॉट ऑपरेटर की वजह से कंडीशन ट्रू हो गई थी, तो ट्रू प्रिंट हो जाएगा। सो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर का प्रोग्राम था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, बट फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और इससे पहले भी मैंने ऑपरेटर्स पे एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने सभी ऑपरेटर्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, तो आप लोगों को वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और फॉर मोर वीडियो अपडेट सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्रेस द बटन ऑफ लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।